click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. Was the eternal romantic, ladies and gentlemen, the hero in Indian cinema is now Kangana Ranaut. Give her a big hand. And the co-producer of the film, ladies and gentlemen, Miss Priya Gupta. Thank you. Hi, Priya. Welcome. Hi, Kangana. This is Alok. We have a mic right here. On your left. Okay, Alok first. Thanks. ये आपके सामने ही बैठा. मेरा सवाल है. आपका माइक. Hi, Alok. Hi, Rohini. Hi, Alok. Can you hear me? I have to on. Check. Hi. Can you hear me? हाँ. Okay. Kangana, Simran के किरदार में जाना और हंसल मेहता की फिल्म करना, ये तीनों एस्पेक्ट्स से किस तरीके से आपने तैयारियां की, जरा उसके बारे में जिक्र करें. मेरे लिए एक्चुअली कई लेवल्स पे प्रिपरेशन रहा, और क्योंकि इस फिल्म का प्रोसेस बहुत ऑर्गेनिक था, तो मुझे याद है एक बार हंसल सर हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, एंड ही टोल्ड मी बिकॉज अर्लियर सिमरन वाज अ पंजाबी गर्ल, एंड ही सेड दैट बिकॉज आई एम गुजराती एंड आई हैव सच लिटिल नॉलेज ऑफ दैट एनवायरनमेंट, सो आई फील दैट आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे अ गर्ल यू नो एज अ गुजर बिकॉज आई इट्स अ फैमिली स्टोरी, एंड ही फेल्ट दैट आई फील दैट आई हैव अ लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कल्चर, एंड एम लाइक आई हैव नेवर बीन इन अ गुजराती फैमिली इन माई इंटायर लाइफ, एंड आई मीन अपार्ट फ्रॉम यू नो कैजुअली मीटिंग माई फ्रेंड्स आई हैव नो लाइक जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कल्चर देयर लैंग्वेज, सो आई थिंक दैट्स वेन द जर्नी स्टार्टेड. And yeah, doing, watching few plays and just, you know, having that little accent, not very accented, because eventually she's a girl who is NRI. From that to, yes, a journey of a girl who slips in life, and like everyone, you know, somewhere she finds her
ground again. So yeah, it's a story of life and magic and mistakes. हंसल सर, जब आप अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ती है हर फिल्म के साथ, तो किन बातों का ख्याल रखते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ? कोशिश हमारी यही रहती है कि जो सब्जेक्ट है, जो किरदार है, उसके प्रति हम पूरी ऑनेस्टी के साथ हम कहानी कहें, उस कैरेक्टर की जर्नी ऑनेस्टी के साथ हम लोगों तक पेश करें, और एक नैरेटिव जो है वो मेरे ऑडियंस को बांधे, वो कैरेक्टर जो है उस ऑडियंस को पूरी तरह से, कि वो किरदार लोगों का की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए, बस वही है। मतलब बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसमें, कि बस लोगों तक पहुंच जाए ये कैरेक्टर। और मुझे लगता है कि सिमरन बहुत ही निराला कैरेक्टर है, कि गलतियां खूब करती है लेकिन कभी हार नहीं मानती है। शी नेवर गिव्स अप, शी इज़ एन she does never gets fatigued. And Bhushan ji, किस तरीके का संगीत होने वाला? हमने कोई एक पीस सुना था किसी पर्टिकुलर गाने का, कुछ तो जरा वो बहुत अच्छा म्यूजिक है, मींस म्यूजिक फिल्म को एक कहानी को आगे लेके जाता है, तो जो भी गाने हैं वो फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से अंसल जी ने उसको उस तरीके से म्यूजिक को बनवाया है, और सोलफुल म्यूजिक है जब आप, और एक शादी का गाना भी है मींस, तो जिसमें कंगना जी बहुत अच्छा डांस कर रही हैं। थैंक यू कंगना, आपके सामने आपकी पहली फिल्म का में आपका किरदार का नाम सिमरन था, और अभी जी इस फिल्म को आप कर रही हैं, पूरा एक सर्किल होते देखती हैं, और सिमरन से सिमरन तक का सफर आपके लिए कैसा रहा है? आपने बहुत अच्छी बात नोटिस की एक्चुअली, जब मुझे हंसल सर ने कहा कि फिल्म का नाम सिमरन है तो मुझे याद आया, लेकिन मैंने किससे शेयर नहीं किया, बहुत लोगों को याद भी नहीं है गैंगस्टर में मेरा नाम सिमरन था, और तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक नॉस्टैल्जिया तो है इस नाम से, और मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 10-11 साल कंप्लीट कर लिए हैं इंडस्ट्री में, तो इट्स एग्जैक्टली सिमरन टू सिमरन एक सफ़र है। उस टाइम पे यू नो जो अनुराग बासु ने जो मुझे लॉन्च किया था वो एक ट्रेजेडी थी, नाउ विद दिस फिल्म दैट वाज अ लव स्टोरी, दिस इज़ कमिंग ऑफ एज, इट्स अ गर्ल एंड हर लाइफ एंड a slice of life, kind of a very light-hearted take on people who never give up. तो वैसी सी एक कहानी है। कंगना आपके सामने इधर। हंसल भाई यहाँ सामने। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पहाड़ी ब्यूटी कंगना, उनको आपने गुजराती गर्ल बनाया है, तो ग्लोबल गुजराती ऑडियंस जो है, जो US से लेके जापान तक फैला है, कंगना उनको किस नए रूप में देखने को मिलेगी? मेरा मानना है कि गुजराती हो या पंजाबी हो या पहाड़ी हो, मतलब इंसान इंसान होता है, एंड आई थिंक इस कहानी और कंगना के परफॉर्मेंस की खासियत यही है कि वो हर उस लड़की को जो चाहती है एक फ्री स्पिरिटेड ज़िंदगी जीना, अपने रूल्स से ज़िंदगी को जीना, भले ही गलतियाँ करे, वो उसे आइडेंटिफाई करेगी। मेरा मानना नहीं है कि ये गुजराती एक कल्चर था जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, और क्योंकि ये अमेरिका में सेट है, अमेरिका में मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि वहाँ एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो मोटेल पटेल कहते हैं वो लोग वहाँ, तो वो उस मोटेल पटेल कम्युनिटी को हमने सोचा कि फिल्म में दिखाना, एक नया कल्चर है उसको दिखाना फैसिनेटिंग होगा। मणिकर्णिका से दूसरा सवाल है मेरा कि US में मैम शूट किया है आपने, तो हमारे जो मोटेल पटेल वाले हैं उनके साथ कैसा आपका वहाँ पर रैपर रहा? बहुत अच्छा रहा, और एक अलग साइड मुझे देखने को मिली, क्योंकि हम लोग जो सिनेमा देखते हुए यू नो हम लोग आए हैं बॉलीवुड में, हमेशा NRIs का एक इम्प्रेशन रहता है, लेकिन वो सारा हंसल सर ने ब्रेक कर दिया। एक अटलांटा में ग्रिफिन करके एक एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि वही जैसे देश वो कच्चे सूख रहे होते हैं घरों के बाहर, उस टाइप का माहौल देखने को मिलता है। तो एक लड़की की कहानी है जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती है, शी बिलोंग्स टू यू नो द सो कॉल्ड ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी, बट हर ड्रीम्स आर वेरी हाई एंड शी वांट्स टू बिलोंग एंड शी थिंक्स शी डिजर्व्स, सो इट्स जस्ट एन ओड टू दैट स्पिरिट। ओके कंगना आपके सामने, रितेश ETV से। अभी हंसल मेहता जी ने कहा कि आप कभी हार नहीं मानती हैं, तो इस किरदार को अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करती हैं, तो क्या ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किरदार है इस तरह का? आप पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हैं?
या ऑन मैनी लेवल्स. जैसे कोई ना कोई किरदार में कुछ ना कुछ तो आपको आइडेंटिफाई करके यू हैव टू लेंड दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी टू योर कैरेक्टर. सो आई थिंक प्रफुल्ल की ये जो बात है कि वो चाहे किसी भी जगह को बिलोंग करे लेकिन शी वॉन्ट्स टू मेक हर ओन प्लेस इन दैट यू नो आई कॉल माई लाइफ परसुट ऑफ मैजिक. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट आई रियलाइज्ड मैजिक लाइक वन इंस्टांस लाइक से वन ऑडिशन that I cleared in Gangster, but Praful never did. So that is the only difference probably. Otherwise, I don't see any difference in the journey. She makes equal, you know, amount of effort. She has the same spirit, same ambition. But, you know, somehow, like, you know, just, you know, like, she never had that stroke of luck. So for me, it was a nice alternate life that I could have had. If not this, so it's been quite enlightening, must say. Hey, Kangana. Hansal ji, आपसे सवाल है कि क्या आप जब स्क्रिप्ट आई आपके पास या आप स्क्रिप्ट बना रहे थे तो क्या कंगना ही दिमाग में थी कि इस रोल को कंगना ही करेंगी? स्क्रिप्ट से पहले कंगना ही थी. मैं मतलब 2014 से परस्यू कर रहा हूँ कंगना जी को और मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई. तो वो एक होता है डेस्टिनी की बात होती है कि ये किरदार ये फिल्म उस वक्त होनी थी. संजोग की बात है कि हमने फाइनली यही सिलेक्ट की स्क्रिप्ट. कंगना को ये किरदार पसंद आया, हमने यही फिल्म बनाई. तो लेकिन मैं सालों से मैंने एक बार बताया भी था कंगना जी को कि बहुत साल पहले मैंने उनको ऑफिस बुलाया था एक स्क्रिप्ट के नरेशन के लिए बहुत अर्ली डेज में. तो उन्होंने जस्ट गैंगस्टर के जस्ट बाद मैंने बुलाया था और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से नरेशन दिया था कि ये तो हाँ ही कर देगी. बाकी कोई मुझे वैसे भी हाँ नहीं कहता था. तो बोले ये हाँ कह रही है. मुझे कहा कि ये तो कर ही लेगी, इसको ना इंग्लिश आती है, ये पहाड़ी है एकदम मना कर दिया मेरी फिल्म को. ये मुझे बिल्कुल ये इंसिडेंस याद नहीं है. लेकिन ये जिन लोगों के साथ मैं गई थी वहाँ पे आई थिंक भूपी जी मैनेजर थे तो तब मुझे लगा कि सच बोल रहे हैं. नहीं पहले मुझे लगा कि ये झूठ कह रहे हैं. लेकिन इनका कहना है कि ये मुझसे इनकी ईगो काफ़ी हर्ट हो गई थी. तो ये मेरी जिंदगी की कहानी है. चाहे मुझे याद हो चाहे नहीं लेकिन ईगो में जरूर हर्ट करती हूँ. हे कंगना जी, दिस इज मी अनुराग हियर फ्रॉम अनुराग. आई वांट टू आस्क यू, कुड यू शेयर एन एनेक्डोट? ये शूट के दौरान आपको कुछ डिफिकल्टी फेस हुई या फिर ड्यूरिंग द शूट वर देयर हिचेस दैट यू केम अक्रॉस एंड हाउ डिड यू गो अबाउट यू नो मैनेजिंग इन योर एक्टिंग be it in this on the set or be it when in United States? Well, वैसे actually I have to tell you that this has been by far the easiest film that I've shot in terms of the costumes, locations. They were very easy. Rarely you get films where you don't have physical challenges. But something very weird happened with me, which is actually not funny at all. But I was driving on American highway with this, you know, like extraordinary speed, you know, like how you have these 3-4 lane highways. And my driver on the wheel, he passed out. He just passed out. And of course, like, you know, we had that little moment where I thought, should I like text my parents that, you know, last goodbye and this and that. But then he banged into sidewalk and we were taken to hospitals and all of that. But if I want to put this in any script, that a driver can just pass off like that. And just when he banged the car, he woke up. Like, where are we? We are still alive. So that was quite funny. And I think it took me a lot of time to recover from that trauma. Like, even still, when I think of it and I tell anyone, people are like, well, that's hard to believe, but I have my witnesses. They've seen the car also and they've seen the accident. The car flew from the final lane to the first lane. It went flying. It was going at 80 miles per hour. And I had a little bit head injury, but this is quite, I mean, surreal for anyone's driver to, you know, get pass out on the wheel like that. I wonder if there have been any calls from the aviation ministry as yet with the name of your protagonist. Anybody? Hi, Kangana. Yes. Kangana here, right in front of you. Here is a great location right there in the middle. Okay. Yes. Right. Sorry, there. Yeah. So yeah. I'm Vanshika from The Quint. And first of all, congratulations for the trailer. It is just amazing. Thank you. And so I wanted to ask that how easy was it to pick up the Gujarati accent? How fun and how did you do it?
You know, there were many degrees actually, because like I said, I've never sort of, you know, and Hansal sir doesn't have Gujarati accent. My friends that I meet who are from Gujarat, so I could not identify it, because it's not the most obvious accent. And I have my tutor, Suraj. He will teach me, and I go to the set, and Hansal, this is too much. Bring it down. And then I bring it down, and Suraj is like, you can hardly hear it. Then bring it up. So I was confused, and I couldn't take a call, because you know, usually I would be in a place to tell that, hey, this is what I want to do. But in this case, I couldn't. So I was constantly conflicted. Even now, I ask Hansal sir, was that okay? He's like, yeah, this is fine. And he and Suraj are constantly fighting. He thinks that we don't want to make it a very, you know, caricature-ish. And Suraj obviously chooses to differ. So I think, you know, the representation of communities, whether it's Gujaratis, we tend to caricaturize it. No, every Gujarati doesn't say ki, "Arey came show kya gaya tha." They don't talk like that. You know. Hansal sir, aapne complete kar liya ho? Idhar aapki right mein. Same row on the right. Yeah. तो जैसा अभी आपने कहा कि हर गुजराती इस तरह से नहीं बात करता, बट इंडस्ट्री में जैसे भी अगर कोई फिल्म बनती है, उसमें इस तरह का स्टीरियोटाइप बहुत स्टैब्लिश किया जाता है. जैसे अगर गुजराती है तो एक्सेंट आएगा, पंजाबी है तो वो लाउड होगी, वो लड़की चिल्ला चिल्ला के बोलेगी. से अगर बिहार से है तो वो फिर वो हिंदी नहीं जानेगा. इसीलिए तो ये फिल्म कंगना जी ने की है और मैंने बनाई है. कंगना, इस फिल्म में आप एक्टर के अलावा आपने डायलॉग राइटिंग का भी एक रोल निभाया है, वो क्यों फैसला किया, वो किस तरीके से वो जर्नी एक आपकी जुड़ी? वेल, कुछ फिल्में जो जिनमें आप यू नो देर आर फिल्म जो कि प्लॉट ड्रिवन होती हैं, देर आर फिल्म दैट आर कैरेक्टर ड्रिवन. जब आपकी एक सिंगल कैरेक्टर की जर्नी होती है, देर यू नो मोर देन प्लॉट्स और मोर देन लाइन्स, वट मैटर्स इज वट इज़ द साइकी ऑफ द कैरेक्टर. एंड आई थिंक इन सच रोल्स एक्टर्स कैन नॉट इन अ वेरी डिलिबरेट वे, but in a more organic way, they can, you know, construct lines which are more character friendly. Kyunki wo hi character mein, you know, unko nibha rahe hain. So in that aspect, I'd always told Hansal sir ke, I will write my own lines for these. So these are, so yeah, so just to have a very fluid journey. मूल राइटर जो हैं मूवी के, उन्होंने आपत्ति उठाई जिस क्रेडिट को लेकर के, आप दोनों सवाल इस पर जवाब. वेल, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, वेयर नाउ दैट वी आर हियर ऑल ऑफ अस हियर, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई वन थिंग दैट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट दैट होल थिंग दैट टुक प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट देयर आर नो ड्यूज पेंडिंग. समहाउ इट्स मेड टू लुक लाइक दैट समवन इज नॉट, लाइक अपूर्वा इज नॉट बीन गिवन हिज ड्यू, वेयरएज वी हैव डन एग्जैक्टली व्हाट ही आस्क्ड फॉर. And even we failed to understand post. He's the one who suggested that I take additional credit dialogue, and all the documents and contracts are signed that way. Hansal sir can tell you, or Salesh, or whoever is the part of the film. And post that, also, he and I worked on the schedule together. He came to my house, and we all worked for another schedule. And after many months, he decided to write this note. Just when Rangoon flopped and 2-3 people attacked me, which I thought was in a very bad taste and was very planned and extremely deliberate. But if like I always said, if there is anything that we can do in this matter, we would love to, but there is literally nothing. You know, he's the writer, he's got all the credit he wanted, and whatever we have done is keeping his consent in mind. In fact, like I said, he's the one who suggested. And that's how it is. This is where we stand today. Yeah. There's a question here. Can we hand him a mic, please? Thank you. Ulta. Thank you. Namaskar, Kangna. Namaskar. ये mic उल्टा हो गया था, वैसे ही जैसे आप बने बनाए नियमों को नहीं मानती हैं. ऐसा हो जाया करता है. हर बार जब आप एक नया नियम बनाती हैं और पुरानी परंपराओं को ध्वस्त करती हैं, तो लोग पहले पहले ऐसे ही हंसते हैं, जैसे इस माइक के उल्टे होने पर हंसा गया. आपको क्या लगता है इससे कितनी मुश्किल आती है, इस बगावती तेवर से, जो हम आपको देखते हैं कि आप अक्सर ईगो हर्ट करती हैं, जैसा कि आप खुद एडमिट करती हैं, और जब हम आपका नाम शाहरुख और अमिताभ बच्चन की परंपरा में अगला नाम जोड़ते हैं,
कि ये नई नायक हैं, तो कितने उत्साह की बात है और कितनी मुश्किल की बात है आपके लिए? मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी अलग है. मैं आज अपने घर से मनाली से जब आ रही थी तो एयरक्राफ्ट में बैठ के मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मिलना होगा और किस तरह के प्रश्न आएंगे. तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरी जर्नी सच में ही इतनी अनयूजुअल है कि सिर्फ मुझे लगता है. तो उसमें एक ही आस्पेक्ट है जो उभर के बार बार आता है कि मुझे अपनी हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है. हर चीज़ मुझे लड़के ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़. अब वो ऐसा ही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरी लाइफ ही ऐसी है. सो आई मेड पीस विद इट और एक आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का एक नियम सा बन गया है. तो मुझे इससे अब कोई दिक्कत नहीं है. और मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, उसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आपको बिल्कुल ही यू नो जैसे बगावत करने वाले या रेबल या लड़ाकू या जो भी कहें, आई डोंट टेक इट टेक एन ऑफेंस. अच्छा है जैसा है वैसा है. बट जो मेरा हक है वो तो मुझे लेके ही रहना है, चाहे लड़के मिले चाहे कैसे भी मिले. Woo! You know, hashtag Bhagavati Tevar for life, Kangana. I love that hashtag. Let's make it trend. Hansal sir, एक artist के तौर पर जब आप किसी का selection करते हैं तो naturally content drive करता है आपको उस decision के लिए. लेकिन साथ काम करते हुए जो एक संरक्षक के तौर पर, एक mentor के तौर पर जो चीज़ें आप अपने सहकलाकार के बारे में सोचते हैं, क्या आप कभी कंगना को एडवाइस करते हैं कि इनको टोन डाउन करना चाहिए और आप करना चाहिए? देखिए, डायरेक्टर मेंटोर नहीं होता है, वो पार्टनर होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है. कि आपके साथ इतने सारे टैलेंटेड लोग, इतने सारे आर्टिस्ट जो एक्चुअली जिनमें मुझसे ज़्यादा हुनर है, उनको मैनेज करना और उनको समेटना, उनके काम को एक दिशा में ले जाना, ये मेरा काम है. मैं मानता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है, एक सेंसिटिविटी के साथ मैनेज करना, ये एक डायरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. और मैंने अंसर सर को हमेशा कहा है कि आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, बिकॉज हमेशा डायरेक्शन को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं विद समवन हु इज़ मोर लाइक अ डिक्टेटर, समवन हु टेल्स एक्टर्स हाउ टू एक्ट, समवन हु टेल्स आर्ट डायरेक्टर हाउ टू पुट अप हिज सेट्स, समवन हु टेल्स द डिज़ाइनर हाउ व्हाट डिज़ाइंस आर लाइक. जबकि अ डायरेक्टर इज़ लाइक सर सेड, ही इज़ यू नो someone who is a guiding force. So मैंने कभी भी set पे monitor नहीं देखा, because it is a relationship of trust that you build with each other. And that is like I was writing my dialogues and I was acting, but he would always call me, "Do you want to see your shot?" And I just refused to, and not even once, not even one shot I've seen. So I think that's because I told him, he's like, "You never see monitor, don't you want to see how it's looking?" I told him that, you know, sir, I've seen your films, and he has a universal language of cinema, you know. His cinema is very subtle, and I have different sensibilities when it comes to, you know, sort of depicting a certain story. So I don't want to interrupt in his thought process. At the same time, never in his life, he told me, enacted a scene that, you know, do this. And I think the best directors I worked with are like that. They give you the material and they let you interpret it. Kangana Hansal here, on your extreme left, Ankur from HuffPost. Hi. I wanted to ask both of you, you know, in Bollywood, broadly speaking, there's a dearth of female narratives, you know, like a Simran or a lipstick under my burqa is more the exception than the norm. So did you at any point feel, you know, like, any kind of problems in raising investment for a film that's entirely female-centric? Or helping Kangana helped because, having Kangana help because, you know, she's obviously a star and that makes it, the process easier? Of course, I mean, a narrative like Simran, having a star like Kangana is absolutely, you know, it helps us raise money. But at the same time, I would not ask somebody to play a character if that star could not be the actor for the character. So, I mean, it's she is a unique combination of a fantastic actor. And for me, that was the most attractive bit. And my producers here were generous enough to, you know, support that conviction. And I think female narratives, you know, there is, you know, which narrative in today's times can you say is popular? A narrative that is engrossing,
a narrative, a character that is endearing, a film that makes you smile, a film that reflects a slice of life. I mean, that is the narrative that we are looking for. And it so happens that that protagonist is a female. And a female who, I mean, I think it's a character that we will all, I'm very proud of the character. It's a right. character that redefines many stereotypes about the female the narrative. Gender itself. The female narrative itself. But what I mean is, in mainstream cinema, you usually see women in the context of men. So this is quite a refreshing change. So well, here you see a man in the context of a woman. Yes. Yeah, like that. Thanks, Ankur. Could you please pass your mic two rows up in the front? Thanks. This is for Hanshalji. What was your experience shooting in America and working with American technicians? Honest answer? It's different. It's different. It is. There's a different discipline and a different work environment. So it took a bit of time to get adjusted to that discipline. And also, you know, the previous films that I had made, I was never used to so many people on set. So it was a new environment, but very professional, and very. I mean, we made some really amazing friends by the time we left the US, and I just wish it would be a little more inexpensive. Thank you. Please pass your mic ahead. That gentleman's been waiting for a while. Thanks. Yeah, Hansel. First of all, congratulations. The trailer was really amazing. It had the class of a Hollywood movie. I mean, I almost thought I was watching an English film trailer. And coming to my question, can you share some information on the character Praful Patel and how did you think of the name Praful Patel? You see, there's a backstory to that name that, her father, Praful's father wanted a son. So, jab ladki hui, uska naam Praful rakh diya. So many people said, why is she not Prafulla? I said, वो उनको प्रफुल चाहिए था, उनको प्रफुल्ला नहीं चाहिए थी. So somewhere the girl has taken on that role, the girl who wants to buy a house, wants to be independent. It's the role that the boy would take over. So Praful Patel is a universal character. She represents a universal truth, and I mean it is played to absolutely pitch perfect, perfection by Kangna. Ladies and gentlemen, this will be marking the end of our Q&A. I'm terribly sorry. That will be our last question. Thanks. Yeah, hello, I wanted to ask this question. Okay, we take this. Sorry, hang on. Girl in the back, yeah, who started the question? Go ahead, please. Hi, Kanya, this is Mini from India Today. So a lot has been said about nepotism. And at IFA Awards, Karan Johar, Saif Ali Khan and Varun Dhawan mocked your statement about nepotism. So what do you have to say about that? It's been very well discussed, Thanks. We have read all the we have read all the letters. We have heard all the comments. But want me to explain? To sum it up, how do you see this entire havoc created in the industry? And what? How do you take this as? I've said everything I have to on that matter. It's pretty much that. Any other sorry. Question? Thank you there's so one much. One question I just wanted to ask. But I've answered that. I have a question. So why why don't do we have repeating to? That. You're now turning director. Just after Mani Karnika. Okay, so that's is there something being lined up? Something being planned? A proper script? Everything? Yes. I'll make a proper script only. Okay.